माई स्टोर में अगर आपको कोई भी ऐसा ऑर्डर आता है जिसमें आपका जो प्रोडक्ट है वो ग्लास है, जैसे हमारे पास शहद होता है या फिर तेल होता है, तो उसकी बॉटल अगर ग्लास की है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो कस्टमर के पास फूटा हुआ पहुँचे या फिर वो सही हालत में ना पहुँचे। तो उसको मेक श्योर करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसकी पैकिंग बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ जो इसका कैप होता है वहाँ पे हम सबसे पहले जो टेपिंग है वो कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेपिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी पैकिंग कर ली। आप देख सकते हो कि यहाँ से ये पूरा सील हो चुका है, लेकिन अभी क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सामान है, वो शहद हो सकता है, वो तेल हो सकता है, या कोई भी प्रोडक्ट, पिकल यानी अचार जो होता है वो भी हो सकता है, कई बार कांच की बॉटल में होता है, तो हम उसे पैक करेंगे ये बबल रैप से। इसको मैं क्लोज से दिखा दूंगा आपको। तो ये बबल रैप जो होता है ना, इसमें बहुत सारे बबल्स होते हैं जो हमारे सामान को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे कि आप किसी भी बबल रैप को ले लोगे, और उसको लेने के बाद आप अपने सामान को जितनी फेरे, जितने लेयर्स इस पे हो सकते हैं उतना लगाइए, और इस तरीके से आप इसको पूरा पैक कर दीजिए। और फिर आप जो भी कार्टून डाल रहे हैं, जो भी आप अपना बॉक्स बना रहे हैं, उसके अंदर उसके बाद इसको डालिए, ताकि ये पूरा का पूरा आइटम सेफ रहे। अगर आप इस कांच के बॉटल को डायरेक्टली कार्टून के अंदर डाल के पहुँचाने की कोशिश करोगे कस्टमर्स को, तो हो सकता है, चांसेस हैं कि इस पे स्क्रैचेस आ जाए या फिर ये फूट जाए, ठीक है। तो आप ग्लास के बॉटल को इस तरीके से पैक करोगे, पहले अंदर से सील करने के बाद इसको पैक करोगे बबल से, और बबल के बाद आप इसको अपने कार्टून या जो भी कार्डबोर्ड का बॉक्स जो जिसके अंदर आप पैक करके कस्टमर को पहुँचा रहे हो, फिर आप पहुँचाओगे, ठीक है।